दोस्तों कौन से कॉलेजेस का आप चयन करेंगे, मतलब कि आप गवर्नमेंट से करेंगे या प्राइवेट से करेंगे, मैं आपसे बोलना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आप हमेशा कोशिश कीजिए पहले कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही आपका एडमिशन हो। 60-60 सीटें दोनों की मिलती है। डी फार्मेसी या बी फार्मेसी में से कौन सा अच्छा कोर्स है? दोस्तों पिछली जो हमने कुछ वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से आप डी फार्मेसी करेंगे, मतलब कि डी फार्मेसी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 12th कैसे आप कंप्लीट करेंगे, साथ में किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको पास करना चाहिए, उसी के साथ में कई सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए कि किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए अगर हम डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डी फार्मेसी करने के लिए हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मेसी में, बट डी फार्मेसी करने से पहले जो चीजें उन्हें पता होनी चाहिए उनके बारे में जानकारी का अभाव है। जैसे कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आती है कि कौन से कॉलेजेस का हम चयन करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें। दोस्तों आप में से जो भी कोई आया है पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहा है हमारे इस वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम इसी तरह की आपकी फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। जो भी कोई नई वीडियोस आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों कौन से कॉलेजेस का आप चयन करेंगे, मतलब कि आप गवर्नमेंट से करेंगे या प्राइवेट से करेंगे, मैं आपसे बोलना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आप हमेशा कोशिश कीजिए पहले कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही आपका एडमिशन हो। ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि पीसीआई के अप्रूवल को चेक करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं वो कॉलेजेस वही बनते हैं जो पीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। साथ में ही अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। काफी सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंडर आते हैं वो कॉलेजेस, पर कॉलेजेस पहले से ही पीसीआई के अप्रूवल के जो मापदंड हैं उन सब पर बिल्कुल खरा उतरते हैं। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपनी डी फार्मेसी की है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, बस आप क्या करें पीसीआई का अप्रूवल चेक कर लें, क्योंकि अगर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं है, कॉलेज के पास अप्रूवल नहीं है, क्योंकि डी फार्मेसी या बी फार्मेसी 60-60 सीटें दोनों की मिलती हैं। डी फार्मेसी या बी फार्मेसी में से कौन सा अच्छा कोर्स है उसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका हम लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप चेक करेंगे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाने की, प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। दूसरी सावधानी जो आपको ध्यान रखना है वो है फीस, क्योंकि डी फार्मेसी की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर जगह डी फार्मेसी कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से ही काफी सारे कॉलेजेस काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो आपका अगर कम बजट है, मतलब कि कम बजट में अगर आप करना चाहते हैं अपनी फार्मेसी को, तो आप देख लें पहले फीस को कंपेयर जरूर कर लें, अगर हो सके तो फीस में थोड़ी बार्गेनिंग भी करें और साथ में अगर हो सके तो डिस्काउंट लेने की कोशिश जरूर करें किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से। तीसरी सावधानी जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो है उस कॉलेज की रेप्यूटेशन, मतलब कि साथ में ही यूनिवर्सिटी की क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, या फिर साथ में ही जिस कॉलेज से आप कर रहे हो उस कॉलेज में कितनी कंपनीज आती हैं, मतलब कि जो आपको प्लेसमेंट मिलती है वो प्लेसमेंट किस तरह की है, प्लेसमेंट है भी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जिनका एजुकेशन में गैप है, मतलब 12वीं पास करने के बाद में 3 साल 4 साल 5 साल का गैप है, तो उनको सिर्फ फार्मेसिस्ट बनना है, सिर्फ फार्मेसी शॉप खोलनी है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, आप चाहते हो डी फार्मेसी करने के बाद में जॉब करना, तो आपको प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। बेहतर है उस कॉलेज का प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है, प्लेसमेंट का जो लेवल है, आप उसको जरूर देख लें ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो।
और चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, सिर्फ किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर या सिर्फ किसी के रेफरेंस से एडमिशन आप लेते हैं, तो उससे पहले उसका अप्रूवल जरूर देख ले। अप्रूवल आप नहीं देखेंगे और पीसीआई में कुछ प्रॉब्लम है या उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है पीसीआई को लेकर, तो भी आप एडमिशन ना लें। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं जो डी फार्मेसी आप कर रहे हैं या फार्मेसिस्ट आप बनना चाहते हैं तो आपके इस पूरे करियर में प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो चीजें मैंने आपको बताई है, क्या सावधानी आपको बरतनी है डी फार्मेसी करने से पहले, आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको जरूर करें। और दोस्तों, हम लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अच्छा लगा अगर आज का हमारा वीडियो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।